परामर्श की प्रक्रिया में ज्यादा अंतर विशेष अंतर नहीं है। समूह व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया के जो स्टेप हमने फॉलो किए थे उन्हीं स्टेपों को फॉलो करते हुए हमें समूह परामर्श की प्रक्रिया को पढ़ना है। समूह परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थियों की यानी कि विभिन्न प्रकार के परामर्श प्रार्थियों की योग्यताओं को, क्षमताओं को और कार्यकुशलताओं को ज्ञात किया जाता है, उनकी जानकारी ली जाती है। साथ में समानता के आधार पर यानी कि परामर्श प्रार्थियों की योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर यानी कि रुचि इनमें जब समानता होती है यानी कि जब परामर्श प्रार्थियों की योग्यता में, रुचि में, उनकी कार्यकुशलताओं में यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों में जब ये समानता होती है तो उसके आधार पर उनको समूह में विभाजित कर दिया जाता है, उनको समूह में बांट दिया जाता है। उनकी समस्याओं को ज्ञात करके यानी कि जिनकी समस्या परामर्श प्रार्थियों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उपयुक्त परामर्श प्रदान किया जाता है। तो फर्स्ट देखिएगा इसमें फर्स्ट है योग्यताओं
और क्षमताओं को, योग्यताओं और क्षमताओं को ज्ञात किया जाता है। यानी कि समूह परामर्श की प्रक्रिया के तीसरे चरण में परामर्श प्रार्थियों की योग्यताओं को, परामर्श प्रार्थियों की क्षमताओं को जानकारी प्राप्त की जाती है। जानकारी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, यानी कि जो जानकारी प्राप्त की जाती है, यानी परामर्शदाता परामर्श प्रार्थियों की योग्यता, क्षमता या कार्य कुशलता की जो जानकारी प्राप्त करता है, वो विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा करता है। यानी कि परामर्शदाता विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते हुए परामर्श प्रार्थियों की योग्यता की जानकारी प्राप्त करता है। अब वो परीक्षण कौन से, वो परीक्षण है जैसे व्यक्तित्व परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, रुचि का परीक्षण है, अभियोग्यता का परीक्षण है, या किसी प्रश्नावली को फिल करवा कर भी परामर्श प्रार्थियों की योग्यता को ज्ञात किया जा सकता है। और जब इन परीक्षणों के द्वारा परामर्श प्रार्थियों की योग्यता की जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसके बाद प्रत्येक परामर्श प्रार्थी के नाम के आगे उसकी योग्यता को लिख दिया जाता है। यानी कि जब परीक्षण पूरा हो जाता है, तब परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के यानी कि प्रत्येक परामर्श प्रार्थी की योग्यता परामर्श प्रार्थी के नाम के आगे उसकी योग्यता को लिख देता है, जिससे परामर्शदाता को ये ध्यान रहे कि इसको किस समूह में विभाजित करना है और कौन से समूह में इसको अलग अलग समूह में इसको भेजा जाना है। नेक्स्ट है फोर्थ है परामर्श प्रार्थियों की स्थितियाँ। परामर्श समूह निर्माण की प्रक्रिया में उनको